यार मेरे पेपर आए हुए हैं और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ। 6 पेपर हैं और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। मेरी बाइक की भी लाइट चेक करी यार, मैंने ऑटोमेटिक करवाई हुई, चेक करे, कलर बदलती है और लाइट बड़ी मजे की आती है यार। आज मैं बैंक गया तो मुझे बड़े कड़कने नोट मिले, मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा दिखाता हूँ सबको। तो यार आज का व्लॉग शूट करते हैं, मैं जल्दी उठ गया। उठने के बाद मैंने चाय वगैरह बनवाई। चाय वगैरह बनवाने के बाद मैंने कहा यार काम शुरू करता हूँ। तो उसके बाद मैं चाय पी रहा था तो उसी टाइम मेरी जो छोटी जी सिस्टर की बेटी है वो आ गई। वो शैतान की करनी शुरू हो गई। कभी जो है वो मेरे चारपाई के ऊपर पोटे गिरा देती, कभी हाथ मारती, कभी क्या करती। तो मैंने कहा इसको ले जाओ। मैं इसको छोड़ के अंदर दूसरे रूम में ऊपर चला गया। ऊपर जाके मैंने कहा यार रूम की सफाई करता हूँ जरा, और आज मैं काम जल्दी करूंगा। लेकिन यार आप लोगों को भी पता है मैं बड़ा हड हराम हूँ। मैंने एसी ऑन किया। सबसे पहले एसी को फुल ऑन कर दिया क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे आपको भी पता है कि 16 टेम्परेचर होता है। मैंने हर वीडियो में बताया हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लाइट वगैरह ऑन की और उसके बाद रूम की सफाई करनी शुरू कर दी। फिर मुझे याद आया यार ओ माय गॉड मेरे तो पेपर भी हैं यार। 6 किताबों के पेपर हैं मेरे पास। इतनी मोटी बुक्स है, आप चेक करें यार, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है और मैंने अभी तक इनको हाथ तक भी नहीं लगाया। इनके अंदर लिखा क्या हो मुझे बिल्कुल नहीं पता। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, 2 उर्दू 2 इंग्लिश और 1 मुताला 1 इस्लामिया। 6 पेपर है तो मैं बड़ा परेशान हूँ। और मैंने वजन कम किया तो मेरा वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 78.8 के बढ़ा हुआ। मैंने कहा यार जो है मैं तो मर जाऊंगा इस तरह। फिर मैंने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ यार। मैंने शावर लेके ऊपर आ गया। मैंने कहा आज काम करता हूँ। लेकिन यार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने कहा यार मैं जाता हूँ जरा मेडिसिन वगैरह ले आता हूँ। और जो है आज मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार भी था। मैं नीचे गया तो मेरी जो छोटी भतीजी है वो खेल रही थी और लॉलीपॉप खा रही थी। वो खेल रही थी, मैंने कहा यार आप ऐसा करो टपोली करके खाओ और टपोली करके दिखाओ। उसने नहीं दिखाया मुझे। मेरा मूड गंदा हो गया। मैंने कहा यार ये तो नहीं दिखाती। चुप करके अपने ख्यालों में लगी हुई थी। उसके बाद जो है मैंने अपने बाबा का रूम कूलर जो है वाटर कूलर उसको साफ किया, उसको आज अच्छी तरह धोया। मैंने कहा यार तंग होते हैं, ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे मट्टी वगैरह आ जाती है, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया। फिर मैंने जाके ना मेडिसिन खाई। मैंने कहा यार बुखार तेज है तो मैं मेडिसिन खा लेता हूँ। लेकिन मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा यार। मुझे बुखार बहुत ज्यादा था। मैंने कहा यार मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने मेडिसिन खाई तो मेरी तबीयत उसी टाइम अच्छी तो हो गई थोड़ी। मैंने फिर बाइक निकाली। मैंने कहा जाता हूँ यार बाहर से चाय वगैरह पी आता हूँ, मेडिसिन वगैरह खा लिया। मैं सीधा चला गया बाइक निकाल के बैंक। तो बैंक गया, उसके बाद मैंने कहा यहाँ से पैसे निकलवा। तो मैं खड़ा रहा काफी देर। अंदर बंदा खड़ा था, बंदा जो है वो 1-1 हजार करके निकलवा था। मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका, 1-1 हजार में करके निकाल रहा है फिल्म ना। तो खैर उसने पैसे निकाल लिए। जब मेरी बारी आई तो वो पता चला जी बैंक में पैसे जो है नहीं निकल रहे। फिर मैं दूसरी बैंक गया तो मैंने 1 हजार निकाला तो वहां से 2 हजार निकल आया। मैंने कहा यार आज को तो मेरे साथ जाफला हो गया। फिर मैं बाहर जा रहा तो मैंने देखी यार ये भेड़े फिर रही है। भेड़े देखे एक एक करके लाइन में जा रही है। फिर मैंने अपने छोटे से टाउन की वीडियो वगैरह बनाई, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद मैं सीधा जो दोस्त मेरा आ गया मैं आ गया, हम चले गए सीधा जफर होटल। वहां से चाय पी तो मैंने नोट निकाले तो नोट देखे बिल्कुल 0 मीटर बैंक से निकले हुए। मैंने कहा यार ऐसे नोट मेरे 7-8 साल की लाइफ में जब से मैंने कमाने शुरू किया आज मेरी जेब में ऐसे नोट नजर आए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से जो है दही बल्ले लिए। दही बल्ले लेने के बाद मैंने कहा यार अब मैं जाके ना घर दही बल्ले वगैरह खाता हूँ। मैंने यहाँ से पहले बोतल ले ली घर वालों के लिए, 2 लीटर कोक मैंने परचेज की। कोक परचेज करने के बाद जो है मैंने दही बल्ले ले लिया। मैंने कहा दही बल्ले खाता, भूख मुझे बहुत ज्यादा लगी हुई थी, गए दही बल्ले खाए। लेकिन यार दही बल्ले खाने के बाद ना मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने जल्दी से शावर लिया। मैंने कहा जाके मेडिसिन लेके आता हूँ, मेरा मूड खराब था, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने जब बाइक निकाली, बाइक जब निकाली तो लाइटें देखे कितना मजा करी। ये देखे ये मैंने इसमें ना एक मजे की लाइट लगवाई हुई है, इसे इंडिकेटर लाइट कहते हैं। लेकिन मैंने जो है इसको मीटर में लगवाई हुई है, इसको 3-4 साल हो गए। ये ऐसे ना 7 कलर चेंज करती है। तो देखिए जैसे रेस दे रहा था वो बड़ा मजे का एक सीन बन रहा था। मैं सीधा मैंने डॉक्टर से मेडिसिन ली। मेडिसिन खाने के बाद चाय वगैरह पी सीधा घर आ गया। वेलकम एवरीवन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया यार। आप लोग मुझे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, थैंक यू सो मच। आज मुझे ना बहुत तेज बुखार था, बुखार है अभी भी। मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, इंजेक्शन लगवा के आ रहा हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देता रहूँगा। डेली रूटीन आपकी शेयर करता रहूँगा, इंटरटेनमेंट भी होगी उसमें, रूटीन भी होगी और उसके अलावा उसमें जो है कुछ ना कुछ सबक भी होगा और आपको कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी दूंगा, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी बताऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।